बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि फ़ाइवर का कंप्लीट मेथड बताऊंगा कि फ़ाइवर पे आप कैसे काम कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, अपनी जीमेल को लॉगिन कर लें। जो आपके पास जीमेल अकाउंट है वो अब अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जिस जीमेल से आपने लॉगिन किया हुआ था उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या जिस तरह एप्पल का जो फ़ोन है उसके ज़रिए भी किया जा सकता है। इंटरव्यूअर ईमेल के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, फाइवर को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको मेथड जो है ना स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, आपने ये स्टेप को फॉलो करना है और फाइवर पे काम करके मैक्सिमम पैसे कमाएं। आप इस तरह पहले क्या करें दोस्तों, क्लिक करें जो जीमेल आपने लॉगिन किया हुआ था और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ज्वाइन का, तो ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे ऊपर जो मैं ब्लू कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दे सकते हैं, यूनिक दे दें, शार्प दे दें, या कुछ अट्रैक्टिव नाम भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दोस्तों वो सारी चीज़ें सबमिट करनी है। जैसे ही आपने यहाँ पे फॉलो किया आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस जो है ना फाइवर का है, जहाँ पे आप अपने जो भी आपके पास स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करके मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। आप क्या करें, इस प्रोफाइल के ऊपर दोस्तों क्लिक करें। प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल लगाएँगे, जो भी कोई पिक्चर वगैरह है तो वो लगाएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास नहीं है तो अपने जीमेल में वो पिक्चर वगैरह सेंड करके डाउनलोड करके भी अपनी इस प्रोफाइल में लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोफाइल को जो है ना अपलोड करना भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ये जो है प्रोसीजर मैं लेके चलूँगा। तो दोस्तों आपने साथ ही बने रहना है, मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है, तब आपको इस बात की समझ आएगी कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। मैं कंप्लीट मेथड बताऊंगा इस वीडियो में, फाइवर बनाने से लेकर मुकम्मल मेथड मैं इसमें बताऊंगा, गिग बनाने तक मैं मेथड बताऊंगा कि गिग भी कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आपके पास स्किल, अगर आपके पास फोटोशॉप की है या कोई भी आपके पास दोस्तों स्किल है, तो उसके ऊपर आप काम करके यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग की अगर आपके पास स्किल है तो आप लोगों के रेलिवेंट बना सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग की है तो उसके रेलिवेंट बना सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के रेलिवेंट कुछ नॉलेज रखते हैं तो आप उसके रेलिवेंट अपनी गिग्स जो है अपने स्किल्स के रेलिवेंट गिग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि प्रोफाइल को कैसे अपलोड करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तभी इस बात का आपको पता चलेगा हम इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइपिंग के रेलिवेंट कोई काम आता है, जिस तरह MS वर्ल्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, या कोई भी काम आता है तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं दोस्तों। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दें, जो भी आपका नाम है दोस्तों आप वो नाम दें, अपना फर्स्ट नाम दें और फुल नेम जो भी है आपका, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे दोस्तों क्या करें, इंटर करें। और साथ ही यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो प्रोफाइल का ऑप्शन आपने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो भी आपके पास प्रोफाइल, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर में सेव है तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ से भी आप क्या करें, यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी तस्वीर नहीं है, तो आपने क्या करना है गूगल क्रोम से जो है वहाँ पे भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लगा देनी है। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, मेरे पास क्योंकि प्रोफाइल पिक वगैरह नहीं है तो मैं दोस्तों जो है जाऊंगा या तो गूगल क्रोम से ले लेंगे आप उसको, लेकिन एडिट आपने लाजमी कर लेना है, जो भी तस्वीर लगानी है उसको आपने बाद में कोई अच्छी सी अट्रैक्टिव सी तस्वीर को चेंज कर लेना है। एक दफ़ा मैं वैसे आपको कोई भी तस्वीर लगा के दिखा देता हूँ,
तो दोस्तों आपको कहने का मकसद ये था कि फाइवर से आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास स्किल है ना, तो $5 में, $10 में, $20 में, $50 में वो आप अपनी स्किल आप सेल कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि फाइवर में अगर वही बंदा कामयाब है जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल है वो काम कर सकते हैं। आप फाइवर पे आप जो है ना 7 गिग बना सकते हैं और 20 जो है आप बाइडिंग बिडिंग भी कर सकते हैं। किसी बंदे को जितनी जितना ज़्यादा बिडिंग करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखिए ये मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, आप इनमें से कोई भी लगाना चाहें तो इस तरह गूगल क्रोम से भी सर्च करके इसको अट्रैक्टिव बना के वो भी लगा सकते हैं। गूगल से जो चाहे आप सर्च करें, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फोटोग्राफी आपकी अच्छी है तो आप इस तरह के भी क्या कर सकते हैं, तस्वीरें अपनी बना के वो भी बड़ी अट्रैक्टिव सी बना के वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी फ्लैग है तो उस तरह का आप लगा सकते हैं। जिस तरह का भी है आप दोस्तों आप वो चीज़ें भी इसमें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपने इसको क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है, तब जाके आप को ये इसका मुकम्मल प्रोसीजर समझ में आएगा कि इसके ऊपर हमने कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को फाइवर का आइडिया नहीं होता तो वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको मुकम्मल अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फाइवर ने हमें वेलकम भी कर दिया जीमेल में, वेलकम टू फाइवर। फाइवर ने कहा है कि आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों फाइवर पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी आपके पास कंप्यूटर के रेलिवेंट स्किल है या कोई भी स्किल है तो वहाँ पे आप फाइवर पे अगर आप जाके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखें फाइवर का लिखा हुआ है तो फाइवर का आप लोग कर सकते हैं। मैंने तस्वीर वगैरह कोई सेंड करता हूँ अपनी जीमेल में ताकि वो आपको प्रोफाइल लगाना भी आपको सिखा दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे तस्वीर को हम डाउनलोड करते हैं अपनी जीमेल से। अब यहाँ पे देखें तस्वीर मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया जीमेल में। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तस्वीर को ओपन कर लिया। तस्वीर को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड का, वहाँ पर क्या कर लूँगा, इस तस्वीर को मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे चाहे मैं इसे जो है सेव कर सकता हूँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिधर चाहें इसको इजीली आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड का, यहाँ पे डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद ये तस्वीर सेव हो गई है। इसको अगर आप महफूज करना चाहें जहाँ पे चाहे आप इसको महफूज कर सकते हैं। इसको महफूज करने का बड़ा ईजी और सिंपल मैथड है। यहाँ पर वो तस्वीर क्या होगी दोस्तों, डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे डाउनलोड में जाएं, वो तस्वीर की जो स्क्रीनशॉट थी या तस्वीर थी उसको आप यहाँ पे क्या कर लें दोस्तों, अपलोड कर दें। जैसे ही आप अपलोड करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है प्रोफाइल लगाना आपको कंप्लीट आ गया। अब इसमें आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लें, जिसके रेलिवेंट आपके पास स्किल्स हैं वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में अच्छी सी तहरीर या तो पहले से बना लें या बाद में भी आप वहां पे एडिट कर सकते हैं जो भी आप अच्छी सी, क्योंकि इसी प्रोफाइल को देखकर आपके पास क्लाइंट आएंगे, कस्टमर आएंगे। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहां पे डिस्क्रिप्शन होगी उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे वर्ड, अच्छे से अच्छे कीवर्ड यहां पे आप पुट करें तो जो भी आप सर्विसेज देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज कम से कम 2-3 तो लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उर्दू और इंग्लिश वगैरह की जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कैसे ऐड करनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे। उर्दू है तो उर्दू को आप दोस्तों क्या कर दें, सेलेक्ट कर दें स्पेसिफिक। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही
यहाँ पे आप एक्सपर्ट के ऊपर या फ्लुएंट के ऊपर आप देखें आपने क्या कर दी है, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपने लेवल लिखना है, लेवल भी आपका ऐड हो गया। दूसरा आपका जो स्टेप है वो भी दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में यूअर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप जो भी आपके पास स्किल है उसके रेलिवेंट आपने दोस्तों कर लेना है, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट करना है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो चीज़ें भी हैं वो चीज़ें आपने लिख लेनी। कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। हर जो है ना स्टेप में दो दो तीन तीन जो है ना स्टेप को कॉपी कर लें। या एसईओ के ऊपर करना चाह रहा हूँ मैं, वीडियो मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, या कोई और भी इसमें अगर आप काम कर सकते हैं तो उनके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसमें और भी डोमेन रिसर्च भी है, सर्च इंजन मार्केटिंग भी है, ई कॉमर्स मार्केटिंग भी है। आप हर तरह का काम कर सकते हैं। म्यूज़िक प्रमोशन के ऊपर काम करना चाहें तो वो भी आप दोस्तों इसके ऊपर कर सकते हैं। वेब एनालिसिस के ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कितना है वो आप यहाँ पे लिख लें। 2018 से 2021 तक आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल, अगर आप के पास जो स्किल हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ पे दोस्तों मैनेज कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के रेलिवेंट क्योंकि स्किल है वो आप राइट कर सकते हैं। देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट लिख दें, इंटरमीडिएट लिख दें, एक्सपर्ट लिख के आप क्या कर दें दोस्तों ऐड कर लें। एक स्किल आपका दोस्तों क्या हो गया है, ऐड हो गया यहाँ पे। और ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट मैं राइट कर दूँगा। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है तो फाइवर की मैंने वीडियो कंप्लीट वीडियो एक ही वीडियो में बना दी है, ताकि जो भी यहाँ पे विजिटर आए, जो भी देखे, उसको मुकम्मल कोर्स यहाँ पे मिल जाए। फिर इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप करेगा और उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो मार्केटिंग के रेलिवेंट भी आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, वीडियो मार्केटिंग का एक ऑप्शन भी आ जाएगा, वो भी आप इसको देख के वो भी काम इसमें कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के रेलिवेंट है यहाँ पे, फिर वही एक्सपर्ट है और इसमें आप ऐड कर दें। एजुकेशन आप जो भी, अगर आपके पास एजुकेशन है, मास्टर है, बैचलर है, एमफिल है, पीएचडी, वो आप यहाँ पे भी वो भी राइट कर सकते हैं। एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, एजुकेशन जौन सी यूनिवर्सिटी है या जौन सा भी आपका डिपार्टमेंट है उसके रेलिवेंट यहाँ पे पाकिस्तान है। कंट्री भी आपने सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जौन सी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लिख दें, क्योंकि मेरी GCUF से है, यहाँ पे मैं GCUF क्या कर दूँगा ऐड कर दूँगा। टाइटल में क्या करना चाह रहा हूँ तो टाइटल में जो भी आप करना चाहें वो भी आप इसमें कर सकते हैं। मास्टर है तो मास्टर कर लें, बैचलर हैं तो बैचलर कर लें। मैं आपको वैसे आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मास्टर है, जिस मास्टर में मेजर सब्जेक्ट में है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस में है तो कंप्यूटर साइंस में कर लें। अगर आपका मैथमेटिक्स में है तो मैथ में कर लें, बायो में है तो बायो में कर लें। कंप्यूटर साइंस के को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर के रेलिवेंट कोई ये है, कंप्यूटर साइंस है, तो उसके रेलिवेंट भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, उनको कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस कर लें। और कोई ऑप्शन इसके रेलिवेंट अगर आपका है, एजुकेशन है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किस ईयर में किया था वो भी आप यहाँ पे दोस्तों राइट कर सकते हैं। 2018 में कंप्लीट था तो 2018 में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जिस फील्ड में आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऐड करना है तो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपके पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट के ऊपर आप लोग चले जाएँ। यहाँ पर गूगल की वेरीफिकेशन मांगेगा,
वो आप कर लें, स्टेप बाय स्टेप को आप दोस्तों फॉलो करें। यहाँ पे कंटिन्यूस कर लें, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर जौन सा भी है वो आपने यहाँ पे दोस्तों ऐड करना है। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास वेरिफिकेशन SMS आएगा। जो SMS आएगा, अगर आपके पास ये नंबर पहले फाइवर में लगा हुआ है तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते, कोई और नंबर यूज़ करना पड़ेगा जो फाइवर में आपका पहले यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला नंबर पहले क्या था, फाइवर में यूज़ किया हुआ था। तो मैं एक और नंबर देता हूँ जिसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ था, तो वो मैं क्या करता हूँ, मैं SMS, अब ये क्या आ जाएगा, कोड के ज़रिए एक SMS आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ पे जो 400 का जो कोड है वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंदराज कर दूँगा, तो और काम ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो कोड है वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, और वेरिफिकेशन ये वाला स्टेप भी क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। ओके के ऊपर आपने दोस्तों क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन का जो ये प्रोसीजर था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सम टाइम पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, तो आपने ध्यान से और केयरफुल मेथड से ये काम करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो भी आपने स्टेप को फॉलो करना है, अगर आप सिटी का नाम देना चाहें, पैड का नाम देना चाहें, अपना निक नेम देना चाहें, तो जो भी आप करना चाहें वो दोस्तों यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वही आंसर देना है जो आपने यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ बड़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कर देनी है, ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ये स्टेप देखें दोस्तों, 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे देखें ऑल डन, ये कंप्लीट जो है मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे आगे आपको मैं नेक्स्ट भी प्रोसीजर बताऊँगा आपने क्या करना है। तमाम प्रोसीजर दोस्तों कंप्लीट हो गए, यहाँ पे नीचे फिनिश का ऑप्शन नज़र आएगा। अब नेक्स्ट आपका जो प्रोसीजर है वो गिग बनाने का आता है दोस्तों। ये वो है जहाँ पे आपने अर्न करना है, जो आपके स्किल है उसको यहाँ पे आपने दोस्तों पुट करना है। जो आपकी स्किल है उसके रेलिवेंट कुछ टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि मेरी है वीडियो प्रमोशन के रेलिवेंट, तो इसमें कोई स्किल वगैरह जो है आगे टेस्ट वगैरह नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो ये फील्ड है वो थोड़ी दूसरों से थोड़ी हट के है। यहाँ पे जो भी आपके पास गिग है वहाँ पे आप क्या करें, उसके रेलिवेंट कुछ ना कुछ राइट करें, जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ पे आप मेंशन करें। ये सारा सीन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन ऑफ यूअर वीडियो। यहाँ पे जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग रेलिवेंट है कैटेगरी जोन से भी है वो आप लिख दें यहाँ पे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बड़ी आसान मेथड से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए कंटेंट मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, जो भी आप के पास स्किल है वो यहाँ पर आप जो है सजेशन कैटेगरी में आप इनको ऐड कर सकते हैं। वीडियो प्रमोशन है, यहाँ पे तस्वीर वगैरह है, तो यहाँ पे देखिए आप टैग्स दे सकते हैं, कोई अच्छे से 5 टैग्स आप लाजमी दें, ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा भी दे दें, 5 अगर दें तो काफ़ी हैं। 5 आपने कोई अच्छे से कीवर्ड और टैग्स वगैरह आपने देने, जिससे आप की ये जो है गिग रैंक करेगी, क्योंकि आपका जो गिग है या जिस तरह की आप प्रमोशन के काम कर रहे हैं उस तरह का आपने यहाँ पे कीवर्ड्स देने हैं, जिससे लोग सर्च करें आपके गिग पर पहुँच के आपको मैक्सिमम ऑर्डर करें। ये गिग बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसके मदद से ही आपको ऑर्डर मिलने हैं, सब कुछ इसमें ही मिलना है आपको। यूट्यूब वीडियो के रेलिवेंट है, वीडियो प्रमोशन है, इसके रेलिवेंट जो भी आप काम करना चाहें उसमें ये सारे टैग्स आपने अच्छे से अट्रैक्टिव देने हैं दोस्तों। YouTube वीडियो प्रमोट करवाना चाहे जो वो भी इसमें कर सकता है, ऑर्गेनिक
प्रमोशन जो करवाना चाहे अच्छे कीवर्ड्स आपने यहाँ पे दोस्तों आपने पुट करने हैं। जैसे ही आप पुट करेंगे ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे कुछ लोडिंग का प्रोसीजर होगा, जैसे ही होगा तो आपकी जो गिग है वो दोस्तों रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट में कोशिश करें आप अपने पैकेज कम से कम रखें ताकि लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हों और आपसे ऑर्डर ले सकें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्डर दें और आप मैक्सिमम अर्निंग करें यहाँ से। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। बेसिक में आप कम से कम प्राइस अपनी रखें ताकि इस प्राइस को देख के आपसे कोई भी अगर छोटा ऑर्डर भी करवाना चाहे तो छोटा करवा ले, कोई अगर आपसे बड़ा करवाना चाहे तो बड़ा करवाए। यहाँ पे आप देखें प्रमोशंस के 1000 व्यूज़ के लिए, 10,000 व्यूज़ के लिए, 5,000 व्यूज़ के लिए, इसमें आप जो है डिफरेंट प्राइसेस वगैरह यहाँ पे आप रख सकती हैं। डिलीवरी टाइम जो होगा वो दोस्तों आप ऐड कर दें। प्रीमियम में अगर आप जो भी पैकेज ऐड करना चाहें वो वहाँ पे राइट करें। यहाँ पे डिलीवरी टाइम है, एक दिन में करना चाहें तो एक दिन में, दो दिन में, वो आपने देखना है कितने दिन में मैं कर सकता हूँ इस काम को। जो दूसरा है ये 3 दिन में हो जाएगा, ये 5 दिन है तो 5 दिन में हो जाएगा, 7 दिन है तो 7 दिन में हो जाएगा। जो प्रीमियम है वो 10 दिन में अगर आप कर सकते हैं तो 10 दिन में कर लें। डिफरेंट टाइम यहाँ पे आप दो यहाँ पे मैनेज कर लें। 10 दिन डिलीवर, 10 दिन के अंदर अंदर ये जो है पैकेज इनका डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आप मेंशन कर सकते हैं पहले बेसिक में हम आप क्या क्या फैसिलिटी देंगे वो भी साथ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह का आप करना चाहें दोस्तों वो भी इजीली आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह आपने मुकम्मल प्रोसीजर को देखना है, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। ये देखें आपके पैकेजेस वगैरह सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे आप प्राइस वगैरह जो भी है मैनेज करना चाहे वो मैनेज कर सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शन जो सारे आपको नज़र आए वहाँ पे भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी इजीली आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जौन जौन सी भी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे वो सारे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे प्राइस वगैरह जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड करें, लाइक्स देना चाहें, बैक अच्छी और इसको सजेशन में लेकर आना चाहें तो सजेशन में लेके आ सकते हैं आप। ये देखें पहले के आप $5 कर रहा हूँ मैं, दूसरे के 25 कर रहा हूँ और तीसरे के $50 कर रहा हूँ। ये आपके एक ऑर्डर का यहाँ पर प्राइस होगी जो आपने कस्टमर से चार्ज करनी है। जो भी आपको ऑर्डर देता है वो आप उससे इतना चार्ज करेंगे। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ आप बेसिक में, स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया शेयर कितने होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट आप लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने नीचे लिखा हुआ भी है, ये आपकी अब गिग जो है मैक्सिमम रेडी हो चुकी है। तो ये देखें इससे आप फिर मैक्सिमम अर्निंग करें, जो चाहे करें। कंप्लीट कोर्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया ताकि आपको किसी चीज़ का कोई मसला मसाइल ना बने।
उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो और अच्छे नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को और अच्छा करें, इटालियन में करें या हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर लें। कोशिश करें अच्छी से अच्छी तहरीर राइट करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तहरीर लिखी हुई थी वहाँ पे। मैं अब क्या कर देता हूँ, इसको सिर्फ़ और सिर्फ ऐड कर देता हूँ जिस तरह की मैं ट्रैफिक चाहता हूँ। इटालियन करना चाहें तो इटालियन कर लें, हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। गूगल एडवर्ड के देना चाहें तो गूगल एडवर्ड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप बड़ा अच्छा लिखेंगे, इसी की मदद से आपको अच्छे से अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। ये आपको मैं दिखा भी रहा हूँ, इस तरह आप अपनी सर्विसेज को हाईलाइट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट आपने ठीक करना है ताकि जो पढ़ने वाला है आप वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो आपकी तहरीर से, आपकी कम्युनिकेशन से। आप इसी के ऊपर सारी चीज़ें बेस करती हैं, ऑर्डर इसी चीज़ के ऊपर बेस करती हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि मैं कितना इसको कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा मैं इसको देख रहा हूँ। इसका प्लीज़ नोट को भी अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो हाईलाइट कर लें। ये मैं मज़ीद आपको करके दिखाता भी हूँ, ये आप हाईलाइट करना चाहें, जो भी इसमें आप और कुछ एडजस्ट करना चाहें, सेटिंग करना चाहें तो वो सेटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। कुछ और अपने पास से भी लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। स्पेस कम कर लें ताकि अच्छे से अट्रैक्टिव सी यहाँ पे। ये काम आपने दोस्तों पहले कंप्लीट करना है। गीक की जो प्रोफाइल है वो भी आपने बनानी है, यानी कि गीक का जो लोगो है वो भी बना लेना है, और तहरीर को भी आपने पहले राइट कर लेना है फाइवर को बनाने से पहले। ये गिग बनाने का जो प्रोसीजर है इसको आपने पहले जेन में रखना है। जो जो चीज़ें आपने ऐड करनी वो पहले आपने राइट करके रखनी है ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो। गिग का जो लोगो है वो भी आपने अच्छे तरीके से पहले बना लेना है, उसको आपने फिर वो भी आपको लगाना पड़ेगा। एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें, कोई अगर कमी बेशी आपको लग रही है, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो वो आप देख सकते हैं इसमें। मज़ीद मैं इसको इसकी मुकम्मल जो है सेटिंग वगैरह करता हूँ। मज़ीद अगर कोई इसमें चीज़ और बेस्ट करनी है और बेहतर करनी है, बेहतरीन करनी है, तो आप इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लें अच्छे तरीके से। आपको कोई मिस्टेक की कोशिश करें, कम से कम मिस्टेक हो, फ़िलहाल तो होनी नहीं चाहिए। स्पेलिंग अच्छे तरीके से आप पढ़ें ताकि आपकी कोई मिस्टेक यहाँ पे ना हो। ये जो भी आप यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, डिस्क्राइब करें अपनी गिग को, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करें। इससे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। इसको आपने मुकम्मल फॉलो करना है दोस्तों। इसको मैं देख रहा हूँ मज़ीद कोई इसमें कोई चीज़ रह गई है या कोई इसमें पॉइंट मिसिंग है, तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना मेंशन कर रहा हूँ मैं, ताकि कोई इसमें चीज़ मिस ना हो जाए, ताकि
जो भी मेरी वीडियो को देखे उसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जो है ना क्लियर समझ आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप दोस्तों क्या कर दें, सेव कर दें। अब ये क्या हो रही है, लोड हो रही है। अब ये आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर आप ऐड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वीडियो के रेलिवेंट, प्लीज़ सेंड मी योर वीडियो लिंक। आपको क्या करना पड़ेगा इस काम को करवाने के लिए, अपना वीडियो लिंक सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे आप दोस्तों सेव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको जो है हर स्टेप की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर किसी को किसी भी बात की समझ नहीं आई, वो हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। मैं आपको और भी गाइड कर दूंगा कि आपने कैसे इसके ऊपर काम करना है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्या करना है दोस्तों, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या की, जीमेल को लॉगिन किया है। जैसे ही जीमेल को लॉगिन किया तो हमारे पास कुछ, जो आपके पास जीमेल थी इससे जो मैंने आपको बताया था कि अपने जो आपकी गिग है उसका आपने ऊपर तस्वीर बना के, यानी कि लोगो आपने बना के लगाना है, जिसके रेलिवेंट आपके स्किल हैं उसके रेलिवेंट ये आपकी गिग होगी, उसके रेलिवेंट आपने इस तरह का लोगो डिज़ाइन कर लेना है ताकि कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके, उन्हें समझ आ सके कि ये बंदा क्या सर्विसेज सेल कर रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट करें, तो जैसे ही ये होगा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब तस्वीर को क्या करूँगा, जो मैंने तस्वीर यहाँ पे देखी आपको नज़र आ रहा है, मैं क्योंकि आपको मैंने आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरह का मैं गिग बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, वीडियो का भी ऑप्शन आता है, तस्वीर का भी आता है, क्योंकि हमारी तस्वीर है तो हम तस्वीर यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। अगर ऐड अ क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिएगा ये आपकी गिग जो है मुकम्मल तौर के ऊपर रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये देखें आपके पास वीडियो आप भी अपलोड कर सकते हैं, जो मैंने तस्वीर डाउनलोड की थी वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपनी गिग के ऊपर। ये देखिए मैंने तस्वीर के ऑप्शन पे जाता हूँ यहाँ पे, और तस्वीरें भी आप अगर देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी गिग जो है वो रेडी हो जाएगी। अब यू आर ऑलमोस्ट हेयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब वो कह रहा है कि नीचे वाली जो रिक्वायरमेंट है उनको क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आई कन्फर्म दैट सर्विसेज ऑफर ऑफ फाइवर प्रेफर वाइल, यहाँ पे आपने नो के ऊपर क्लिक करना है तो और कंटिन्यू कर देना है, और ऑल डन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और पब्लिश गिग। अब गिग आपकी क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी।
जिससे अब आपका जो काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप डन कर देंगे और आपकी जो गिग है वो कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास जो भी स्किल है ना, इसी तरह आप अपनी गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। आप 7 गिग बना सकते हैं, आपने जो नया अकाउंट बनाया है ना, इसकी टोटल 7 गिग्स बनाएं और इससे ऑर्डर मैक्सिमम से मैक्सिमम लीजिए। आपके सामने ये गिग नज़र आ रही है, ये आपके वीडियो प्रमोशन के रिलेटेड थी। अगर आपके पास बाकी जो उनसे भी स्किल हैं, उस और भी 6 गिग बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर से आप अर्न करें। मज़ीद जो नोटिफिकेशन वगैरह आ रही हैं उनको भी आप इसके चेक कर लें। 2 नोटिफिकेशन उसी वक्त आते हैं फाइवर के, तो वो भी आप चेक करना चाहिए, यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पे देखें, इनबॉक्स भी है, होम भी है, डैशबोर्ड भी है, डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा था, देखें ये तस्वीर थी जो मैंने वहाँ पर मैंशन की थी। तो उम्मीद है किसी किस्म का भी दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे इनबॉक्स में आप रब्ता करें। उम्मीद है आपको मुकम्मल जो है फाइवर के बनाने का मेथड समझ आ गया होगा।